स्वागत है आप सभी का 5 बजे के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन में बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए कुछ मंत्री और विधायक पहुंचे हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। सीएम गहलोत से मिलने सीएमआर पहुंचे हैं मंत्री और विधायक। नोहर विधायक अमित चाचान पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास पर सीएम से मुलाकात करने। मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं कुछ मंत्री और विधायक, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। सीएम गहलोत से मिलने सीएमआर में पहुंचे हैं मंत्री और विधायक, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री से मिलने कुछ मंत्री और विधायक पहुंचे हुए हैं, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। सीएम गहलोत से मिलने सीएमआर पहुंचे हैं मंत्री और विधायक, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। संवाददाता दिनेश डांगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस खबर पर। दिनेश, क्या जानकारी मिल रही है, कुछ मंत्री और विधायक पहुंच रहे हैं सीएमआर? जी देखिए, सियासी सरगर्मियों के बीच खबर आ रही है कि कुछ मंत्री और विधायक है वो सीएम अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री आवास पर अभी वो विधायक हैं और अभी उनकी थोड़ी देर बाद सीएम गहलोत से मुलाकात हो सकती है। एक विधायक का नाम सामने यहाँ पर आया है, नौर विधायक अमित चाचान, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे हैं और थोड़ी देर में बताया जा रहा है सीएम अशोक गहलोत से उनकी मुलाकात होगी और अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर वो पदों से मिलने पहुंचे हैं या फिर सियासी जो उठा पटक हो रही है उसको लेकर कोई मामला है। ये तस्वीर यहाँ पर साफ नहीं आ रही। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिन से जयपुर में मौजूद है, अपने आवास पर मौजूद है, हालांकि वो जयपुर मंत्रियों से मुलाकात भी कर रहे हैं, लेकिन अमित चाचा ने मिलने का मांग रखा था क्योंकि सीएम के पास कोई विभाग है तो हो सकता है कोई स्क्रीन क्षेत्र से जुड़ा काम काज हो, लेकिन सियासी सरगर्मियों के बीच ये जो मुलाकात हो रही है कुछ मंत्री और विधायक की, तो जाहिर सी बात है कि इसके भी कोई मायने हो सकते हैं। दिनेश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। संवाददाता दिनेश डांकी को आप सुन रहे थे। हालांकि इस मुलाकात में क्या होगा, बातचीत क्या होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी चूंकि अभी मिलने पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ बातचीत होती है ये अभी देखना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए कुछ मंत्री और विधायक पहुंचे हुए हैं। लगातार जो सियासी हलचल इस वक्त है, घटनाक्रम है, उसको लेकर अपडेट इंडिया न्यूज़ राजस्थान आपको सबसे पहले कर रहा है। पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं और लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के ही इस पूरे सियासी घटनाक्रम से जुड़ी हुई। यह खबर है, थोड़ी देर में मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, थोड़ी देर में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे प्रताप सिंह खाचरवास। मौजूदा सियासी घटनाक्रम पर अपनी बात रखेंगे प्रताप सिंह। मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, थोड़ी देर में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास अब से थोड़ी देर में राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपनी बात रखेंगे। इससे पहले अलग अलग रिएक्शंस विधायकों के लगातार सामने आ रहे हैं और शर्त यही रखी जा रही है। इससे पहले भी प्रताप सिंह खाचरवास की ओर से कहा गया था कि जो 102 विधायक हैं उनमें से ही कोई मुख्यमंत्री बनना चाहिए अगला, अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उन विधायकों में से कोई मुख्यमंत्री बनना चाहिए, शर्त रखी है आलाकमान के सामने इन विधायकों ने। और इस बीच